वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी, और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और सभी इंग्रेडिएंट हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने उसमें ज़ीरा ऐड किया है। जीरे को थोड़ा सा भूनेंगे। अब जीरा भुन गया है तो मैं उसमें गार्लिक ऐड कर रही हूँ। गार्लिक को भी हम थोड़ा भूनेंगे। गार्लिक भुन गया है तो अब मैं उसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने बारीक काट के रखा था। अब अनियन भी भुन चुके हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा अदरक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा टमाटो प्यूरी और ऐड किया है, मुझे थोड़ा लग रहा था। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है तो मैंने उसमें नमक ऐड किया है। थोड़ी हल्दी ऐड करी है। और भुना हुआ जीरा ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सब्जी मसाला ऐड किया है। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। करछी से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं मसाले को। मसाला हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए स्टर करते रहेंगे साथ साथ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, क्योंकि हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भून चुका है तो मैं उसमें पहले से फ्राई किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन तब हमें आलू को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुकर में जब विसल आएगा तो आलू ऑलरेडी गल जाएंगे। अब मैंने आलूओं को अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले के साथ, और मैंने गाजर को भी थोड़ा फ्राई करके रखा था।
अब मैं इसमें गाजर ऐड कर दूंगी जो ऑलरेडी फ्राई करी हुई हैं। इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो सब्ज़ियाँ हैं ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई हैं। अब मैं इसमें फ्रोज़न पीज ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न पीज नहीं है तो आप जो मटर है उनको बॉईल कर सकते हैं और फिर आप उसे सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। अब मैं इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको एक ढक्कन से ढक दूंगी और स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी। अगर आप ये सब्ज़ी कुकर में बना रहे हैं तो आप उसको 1 विसल या 2 विसल लगवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप भी इसी तरह सब्ज़ी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।